अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाम हसनैन। क्या हाल है हसनैन? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इस्लामाबाद के वहीं पे ही रहते हैं या फिर लाहौर? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद रहते हैं। वो आपके लहजे से भी पता लग रहा है। लाहौर क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे ब्रेकअप हुए थे तो थोड़ा सा अपना टाइम वगैरह पास करने आए। ब्रेकअप हो गया? सो सैड। किससे हुआ? एक ही से, अपनी बच्ची से। रोना मत। रोना मत। जैसे मैंने देखा है कि लड़के दिल तोड़ते हैं तो लड़कियों की ये हालत होती है। किस बात पे दिल तोड़ा? शादी हो गई उसकी? नहीं, उसने कहा कि शादी नहीं हो सकती बस। वैसे मैं हसनैन एक बात बताऊँ, इस तरह जो है ना वो लड़के करते होते हैं। एक लड़की तुम्हें धोखा दे गई? उसने कहा था कि मैं नहीं कर सकती। कितने साल का रिलेशनशिप था? 6 महीने का था। तो फिर इस्लामाबाद से यानी यहाँ पर आए कि माइंड फ्रेश हो, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पे? वैसे लड़के तो बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं ना, कोई और लड़की मिल जाए फिर उससे शादी की बात कर लेंगे। फिर नहीं अभी तक कोई इशू है? मैंने किसी को इशू भी मूव ऑन नहीं। हसनैन सिर्फ 6 महीने का रिलेशनशिप था। इट्स नथिंग। आई डोंट नो, इट्स नथिंग। बट अब क्या, मोहब्बत हो गई? हो गई शायद। मोहब्बत हुई या इश्क हो गया? आई डोंट नो। मतलब अभी मूव ऑन नहीं होगा, अभी आगे देखा जाएगा कि 1 साल लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं। इट डिपेंड। नाम बताना चाहोगे लड़की का? नहीं, नाम नहीं। कहाँ मिली, कहाँ थी? स्टोरी तो बताओ थोड़ी सी, हम भी सुने। नहीं, वो स्टोरी कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया इतना है। हाँ, ब्रेकअप हो गया इतना है। जैसे मैंने देखा है कि लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो हसनैन तुम इतने वीक क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम हो जाते हैं उस पर, मतलब आपकी मर्जी में थोड़ी होता, आपके हाथ में थोड़ी होता। तो अभी रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हो अकेले? हाँ, वो मैंने कहा साथ में ट्रेन का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो मैंने कहा एक्सप्लोर, लोगों को देखा जाएगा। तो वैसे भी आप फिर भी मैसेज कर लेते हैं? क्या ब्लॉक कर दिया उसने? नहीं, सो जब उसकी तरफ से नो मींस नो होता है ना, तो जब उसने नो कह दिया, जब वो जा चुकी है तो फिर आगे मैसेज करने का। आपने उसको कन्विंस नहीं किया कि मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा? बात घर वालों की मनाने की है ही नहीं, बात उसकी अपनी की नो की है, तो फिर आगे बात ही नहीं। आप उससे पूछते तो सही कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, उसने नो किस बात पे किया है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मुझे तो बज़ाहिर आप ठीक लग रहे हो। उससे नो की कि वो नहीं कर सकती, उसके कुछ और इश्यूज़ हैं, उसके करियर गोल्स हैं। करियर गोल्स हैं उसके? क्या करना चाहती है वो ज़िंदगी? दोनों अभी जॉब करना चाहती है, जो भी है। बट आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में। आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट और साथ में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। अच्छा, आप तो बड़ी अच्छी फील्ड में है। जी जी। उसके बावजूद वो ना जाने के लिए हज़ार रीज़न भी ना भी काफ़ी नहीं होते, और जाने के लिए एक भी काफ़ी है। मतलब कि इंसान कब आपको वैसे पता लगा कि अब ये ब्रेकअप मेरा होने ही वाला है? वो तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा था उसके बिहेवियर से, क्योंकि एक्शन स्पीक्स इन वर्ड्स ना, तो मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा था, बट वो ये कि आज कंफर्म हो गया। मैसेज का रिप्लाई ना करना, लेट रिप्लाई करना, लाइक इस तरह बिहेवियर से फील हो जाता, हो जाता बिहेवियर से फील। यस। आप जाहिर है आप या तो पढ़ाई कर रहे होते तो एक अलग बात थी उसके छोड़ के जाने की, लेकिन यू आर डूइंग जॉब, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? करियर गोल्स ये वो, आप फौरी शादी करना चाहते थे? जी। ठीक है, हमारा एक सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती है लेकिन पत्ते या फल नहीं होते? पत्ते या फल नहीं होते, शाखें होती हैं। आई डोंट नो, माइंड इज स्टक। क्या हो सकता है? अगर आपने उनके लिए कोई गाना गाना हो या कोई शेर? नहीं, कुछ नहीं। गाना भी नहीं, कोई शेर भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मुझे वैसे आजकल बड़ा शेर आया हुआ है एक, मैं अक्सर इंस्टाग्राम पर देखती थी रील्स में, जिसमें वो लिखा होता है कि मेरे हिस्से के लोग ले जाते हैं। समझ में आई है? हाँ जी। तो वैसे बिहेवियर चेंज होने की वैसे ये भी होती है कि आप शायद किसी और के साथ मूव ऑन करके कोई मैसेज देना चाहते हैं दिखने वालों को? नहीं। उन लोगों को जिनके ब्रेकअप्स हो गए? नहीं नहीं, अभी किसी के अपने हिस्से की गलती होती है, वो उसको करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप में आपकी गलती क्या है? उसको कुछ ये है कि उसके साथ अटैच हो जाना। अटैचमेंट बुरी चीज़ हो? हाँ, उसकी आदत बना लेना। अटैचमेंट को मोहब्बत कहते हैं? नहीं, मगर ज़्यादा अटैच हो जाना वो ज़्यादा इशू है। आपको देखना चाहिए, आप स्टार्टिंग में ही शादी की बात कर लो, इफ़ शी एग्री तो गुड टू गो, वरना आगे आप कुछ करो ही ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी। दिल इनका टूटा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था और इनका कहना ये था कि अटैचमेंट हो जाती है, आपको शुरू में ही शादी की बात करनी चाहिए। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हमारे जो यहाँ आजकल के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, वो कहते हैं कि हमने गोल्स कर बनाने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसके बाद शादी का सोचेंगे। इनकी जो ब्रेकअप स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट थी कि लड़का कह रहा है कि भाई मैं शादी करना चाहता था लेकिन लड़की करियर बनाना चाहती है, तो हो जाता है ऐसा। आपको मेरा कल स्टार्टिंग में ही कह देना चाहिए कि आप शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, ताकि आगे आपका दिल ना टूटे या किसी के साथ कोई मिसकमिटमेंट ना हो जाए।